मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-19 की परीक्षा की तारीख हुई घोषित और यह हुआ बड़ा संशोधन। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-19 की, जिसकी की जनवरी में एग्जाम होना था लेकिन किसी कारणवश सरकार ने उसे आगे बढ़ा दिया गया था और उसकी तारीखें अभी का ऐलान हो चुका है और उसमें कुछ संशोधन भी हुआ है। तो क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और उसका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या हुआ संशोधन, आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की तारीख और संशोधन के नियम पुस्तिका क्रमांक 4 में बड़ा संशोधन हुआ है। अंततः विरोधी प्रदर्शन काम आ ही गया। मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की तारीख घोषित एवं संशोधन नियम पुस्तिका 4 जारी कर दी गई है। इससे पहले यह परीक्षा का एक बार चुनाव आचार संहिता के नाम पर और दूसरी बार अज्ञात कारणों से अटक चुकी थी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा का एक नया टाइम टेबल मंगलवार को जारी कर दिया है। यह 20 शहरों में ऑनलाइन परीक्षा। परीक्षा एजुकेशन बोर्ड ने 29 दिसंबर 2018 से प्रस्तावित उच्च शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और 19 जनवरी 2019 से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त करते हुए 1 माह बाद नई तिथि जारी करने की घोषणा की थी। अब नई तिथि जारी करते हुए बताया गया है कि यह परीक्षा अब 1 फरवरी को ली जाएगी। उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 सितंबर 2018 तक जमा किए गए थे। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से 1 फरवरी 2019 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि 1 फरवरी से यह परीक्षा आयोजित की जाना है और इसके जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही ऑनलाइन आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 26 तारीख के बाद आपको इनके ऑनलाइन जो है एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। कितने चरणों में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, आइए एक नज़र डाल लेते हैं कितने चरणों में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा और कब तक चलेगी इसकी जानकारी। तो आपको बता दें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 1 माह के लिए स्थगित की गई उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। यह ऑनलाइन परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 9:30 से 12 बजे तक चलेगा और दूसरा चरण दोपहर 2:30 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कितना शहर में आयोजित की होगी ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोस्तों आपको बता दें उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 20 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, कटनी, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सिवनी, खरगोन शामिल किए गए हैं। पीबी ने चुनाव से पहले उच्च शिक्षक परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। दोस्तों आपको बता दें उच्च माध्यमिक शिक्षक ने के 19,220 और माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद हैं। वर्ग 2 के लिए करीब 4.50 लाख और वर्ग 1 के लिए 2.25 लाख आवेदन आए हैं। वर्ग 2 में जहां 11,374 पदों के लिए परीक्षा होनी है, वहीं वर्ग 1 के लिए 19,200 के करीब के लिए परीक्षा होनी है। तो दर्शकों यदि कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां, तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की अपडेट न्यूज़ तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।